छोड़ पहाड़ियों में चले जाते हैं। नारद जी आ जाते हैं। नारद जी पार्वती से कहते हैं कि आप शंकर भगवान के कुछ एक वेदों को नहीं जानती कि कौन कौन से वेद, कि शिव शंकर भगवान के गले में जो ये माला है इसका रहस्य, और ऐसा सुनने में आया है कि उनको अमर कथा याद है। अमर कथा के हां उस कथा ने अगर कोई सुन ले वो अमर हो जाए। जब शंकर भगवान आए पार्वती ने पूछा कि महाराज आपको अमर कथा याद है कि हां, आपके गले में ये माला है इसका रहस्य। इन्होंने बोला पार्वती आज तक नहीं बुझी ये दो बात आज के ध्यान में। इन्होंने बोले नारद जी आए थे कहा जो मेरे गले में माला है इसके 108 मणिये हैं, तेरे 108 पर शीश काट के इस माला में पिरो रखी है, ये 108 मुंड है तेरे, और अमर कथा मेरे को याद है मैं सुनाऊंगा नहीं। ने बोली सुनूंगी। शिव शंकर भगवान उत्तराखंड की पहाड़ियों में पार्वती को ले जाकर के बैठा देते कि अमरनाथ की अमर कथा ने सुनने लागी पार्वती उत्तराखंड मला का आसन बैठ गए कैलाशपति। लोगों इतना भयंकर इतना विकराल रूप कर लिया शंकर भगवान ने, जिस जिसने भी शंकर भगवान को देखा अपने प्राण त्याग दिए, अपनी शुद्ध बुद्ध गवा दी के भयंकर रूप करया शंकर न जीव परिंदे काल करे, मनुष्य बखेरु जीव जंतु बिन आई बे हाल मरे। जितने गण थे शिव शंकर के पाताल लोक में आन गिरे, फिर लगा समाधि बैठ गया वो जपने लग गया हरे हरे। पार्वती सो जाती है। एक इतना घर्षण पैदा हो गया, एक अंडा था अंडे में से एक बच्चा पैदा होया तोता, उस अमर कथा को सुन लेता है। पार्वती सो जाती है। शंकर भगवान ने वह कथा समाप्त करी, आंख खोल कर देखा रहे पार्वती सोगी यो तोता उकारे पर है, पूरी कथा ने यो तोता सुन गया, इसीलिए शंकर भगवान को भोला कहा जाता है। उस तोते को मारने के लिए उसके पीछे भागा। वेद व्यास की घराड़ी चौक में बैठी उबासी ले वो तोता उसके मुंह में प्रवेश कर गया। 11 साल 11 महीने बीत जाते, शंकर भगवान फेर गया वेद व्यास के घर ने, नवलियारा जन्म ले तना अमर कथा सुन रखी, तना कोई मारने वाला नहीं। सजनों जब बताते हैं सुखदेव मुनि का जन्म होता है, सुखदेव मुनि धरती पर पहला ऐसा इंसान पैदा होया जिसने पैदा होते ही अपनी जवान अवस्था पाली और नाल कंधे पर गिर कर चाल पड़ा। वेद व्यास कहते हैं अरे जिसने तेरे को जन्म दिया है तू जन्म लेते चाल पड़ा जागा कड़े नुल्या मोक्ष की तलाश में, जिसने तेरे को जन्म दिया हवा मर जाएगी नुल्या पिताश्री यो जीना मरना है तो बंद करना है। न्यू कहे 84 लाख में जन्म लिया यो जीना मरना बंद करना है, एक आत्म रूप स्वरूप में मिले या खाली खोड़ रहे जाजे क्या कहता सुना। दम आलिया कर है क्या वो मरते मरते हार लिए लाख
लाख चौरासी खत्म हुए ना बीत कल्प युग चार गए नाक मदमालिया करें क्या मरते मरते हार गए। पिताश्री इतने परिवार देखे, इतनी मां देखी, इतने पिता हुए, इतनी औलाद पैदा करी, ये होया है लेकिन याद नहीं। हमारे गांव से कानड़वा से बहुत अच्छे लेखक हुए, बहुत अच्छे कवि आदरणीय मंगतराम जी, पिता तुले बुजुर्ग को हाथ जोड़ के नमन है, प्रणाम है। और बाबा मुकेश्वर धाम के सदस्य भी है कमेटी के, बार बार नमन है। मुक्तेश्वर एक जयकारा लगाइए, बोलिए बाबा मुक्तेश्वर धाम की। नंबर एक पर क्या लिखा पंडितों ने सुनिए। मेरे लिए बहुत आदरणीय, बहुत अच्छे सांस्कृतिक प्रेमी आदरणीय सुशील जी, 500 रुपए से अपने बच्चे को, अपने भाइयों को मान सम्मान आशीर्वाद देते हैं, बार बार धन्यवाद है, नमन है। मेरे लिए गुरु तुल्य महाशय जी आदरणीय मास्टर जी मंगतराम जी, इनके चरणों में बार बार नतमस्तक करते हैं, 500 रुपए से अपने बच्चों को आशीर्वाद देते हैं, मास्टर जी का बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद। क्या लिखा सुनिए। तिरासी लाख योनियों का जिक्र किया, 83,99,999 योनियां जब पार होती है जब ये आत्मदेह चोला मिलता है। और इसमें भी आके धर्म नहीं कमाया, अच्छे कर्म नहीं करे, इतनी योनियां जो पार करी है उनका कोई फायदा नहीं। नंबर दो पे न्यू कैसे जीना और पैदा होना देख, इसे पुण्य कर्म, इसे कर्तव्य मानस कर दिया है, बेरा ना पट्टे, बेरा जो पट्टे जब जाले आ गए, जो करे
एक भजन में ये भी कहा है कि श्री लक्ष्मी चंद सबके कर्मों का उस ईश्वर के घर खाता है। क्या कह सुनिए, कहीं जुलम है धूप मरे कितने उम्र कटी चल पीने से कितने जेर में लपट मरे कितने अपना कर्म करीने से फिर भी मोक्ष आथ ना आई लोग मौत भली इस जीने से खुशी में नाचे गाए कितने रोगी बन गए रोग कितने खुशी में नाचे गाए कितने रोगी बन गए रोग इस माया के चक्कर न तड़के के चक्कर न तड़के से अपना जन्म बेचार गए नंबर चार पे दादा ने कहा है मानस खूब हाथ मारे खूब तावड़ करे लेकिन जब तक वो समय निकल जाता है। क्या लिखा सुनिए, काम क्रोध मत लो
बस हमें आए कोन्या, अरे हम हो गए इनकी दस में दस में फंसे नहीं जो जग हो जाता उपदस में देखिए। चलो।